सो हेलो दोस्तों, तो कैसे सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम दोबारा से आ गए कोनी फिफा मैक्स के साथ। सो गाइस, फाइनली यार हमारा गेम के अंदर एक नया इवेंट आ चुका है। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर सामने की तरफ देख सकते हैं, आज हमारा लकी व्हील इवेंट आ चुका है, जो कि यहाँ पर एक हफ्ते के लिए गाइस। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप यहाँ पर रिवॉर्ड्स भी देख सकते हैं यार। सबसे पहले यहाँ पर ये बंडल आ जाता है, और सेकंड पे यहाँ पर एक इमोट भी आ जाता है गाइस, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक बंडल भी आ जाता है यार, जो कि आप देख सकते हो यार। बाकी यार और रिवॉर्ड्स देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके साथ साथ ये वाला भी बहुत ही महंगा बंडल, जो कि आप गिफ्ट सेक्शन में किसी को भेज सकते थे, बहुत महंगा आता है गाइस। और यहाँ पर और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक पैट भी है गाइस यहाँ पर, और एक इसके साथ साथ बंडल भी है। और नीचे आ जाते हैं तो गाइस एक और यहाँ पर बंडल आ जाता है। बाकी यार रिवॉर्ड्स के मामले में यहाँ पर बहुत कुछ है गाइस। इमोट भी यहाँ पर दो इमोट है, देखो बाय कर रखी है पहले से ही गाइस यहाँ पर मेरे पास, और एक ग्लू होल की स्किन है गाइस। यहाँ पर बंडल्स सबसे मेन, यहाँ पर बंडल्स है यहाँ पर टोटल 1 2 3 और 1 4 1 5। तो गाइस यहाँ पर टोटल 5 बंडल्स है। अब यहाँ पर मेरे पास 206 डायमंड्स है, देखते हैं यार। तो गाइस यहाँ पर मैंने कर दिया, प्लीज़ मुझे अच्छा खासा मिल जाए। 80 to 70% ऑफ मिल गया गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं यार। 70% ऑफ में यहाँ पर मैं एक ही इमोट ले सकता हूँ गाइस। बंडल तो नहीं ले सकता ना, ना तो मैं ये वाला ले सकता हूँ बंडल। बाकी 70% ऑफ में मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ या फिर ये वाला इमोट ले सकता हूँ। तो मेरे को लगता है यहाँ पर मेरे को 60 डायमंड से ये वाला इमोट खरीद लेना चाहिए गाइस। तो यार मैं सोच रहा हूँ ये वाला ख़रीद लेता हूँ, यहाँ पर मैंने परचेस कर लिया। ओके कर देता हूँ, और अब यहाँ पर एक और स्पिन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और बार आ चुका हूँ, और इस बार मैं यहाँ पर स्पिन ही करता हूँ सबसे पहले। तो प्लीज़ यार 9 डायमंड का या 99 डायमंड का दे दो। ओ भाई साहब, मतलब क्या बोला जाए यार, दे दिया भाई। मैंने सिर्फ एक बार क्लियर कैश मारा था, मतलब आप समझ सकते हो यार, 70 पे आ गया था, तो मैंने एक और क्लियर कैश मारा था सच में। और मेरे को इस करेक्टर पे थोड़ा सा विश्वास था यार, लिक्विडा करेक्टर यार सबसे अच्छा यार स्पिन करने में। तो यहाँ पर मैंने अपना ये करेक्टर ले रखा है यार, मेरे को सच में रिस्ट करेक्टर पे विश्वास हो रहा था। वैसे तो आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है, पर लिक्विडा करेक्टर सच में स्पिन करते हुए यार खुश कर दिया इसने मुझे। रिफ्रेश करके यहाँ पर ट्राई करता हूँ। बस यहाँ पर ये वाला वो स्पेशल है यहाँ पर, ये देखो ये फीमेल पे भी पहन सकते हैं हम, जहाँ तक ये देखो इसके साइड में बना हुआ है सिंबल। करेक्टर एक बार चेंज करके आता हूँ, वही फीमेल करेक्टर लेता हूँ यहाँ पर। मान लो कि मैंने ये वाला करेक्टर ले लिया, अब इवेंट में जाता हूँ, देखो यहाँ पर फीमेल करेक्टर पे भी आ गया ये, तो ये डबल फायदा है इसको लेने का। एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करके देख ही लेते हैं यार। और वैसे तो मैं रिस्क ले रहा हूँ, स्काइलर करेक्टर ये इक्विप है, रिफ्रेश करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यार मेरा यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका है, और मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ देख रहा हूँ कि एक बंडल तो वहीं पे सेम है, और दो बंडल यहाँ पर नए आ चुके हैं, जो कि मैंने ये वाला कैंसिल कर दिया था। और ये वाला मेरे को थोड़ा वैसे इतना अच्छा नहीं लगा यार, वैसे तो मेरे को ये वाला चाहिएगा, ये वाला मेरे को चाहिए कैसे ना कैसे, क्योंकि यार ये महंगा भी बहुत है। तो यहाँ पर आपके 5 बंडल है, और सबसे अच्छे बंडल यहाँ पर फर्स्ट पे मैं इसको रखता हूँ, सेकंड पे गाइस इसको रखते हैं, और थर्ड पे गाइस इसको रखते हैं। यहाँ पर टॉप 3 बंडल बता दिए, तो आप इन दोनों को मैं रिकमेंड नहीं करता गाइस, मेरे को यहाँ पर टॉप 3 करने थे, आप 5 में से किसी को तो रखना ही था, तो मैंने इन दोनों बंडल्स को हटा दिया। आप इन तीनों में से कोई सब ले सकते हो, मेरा लेने का मन तो गाइस यही है यार, स्टार्टिंग से ही मैं सोच रहा हूँ यार यही वाला बंडल लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा यार महंगा यही वाला है, पर यार समझ नहीं आ रहा, मैं रिफ्रेश करूँ। ये वाला और ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया है, मैं यार ये वाला लेना चाह रहा हूँ पर मेरा आया नहीं। और 9 डायमंड में यार क्या पता मेरा कौन सा चले जाए, ट्राई करके देखता हूँ यार 9 डायमंड का एक बार। प्लीज़ गरीना यार दे देना यार वो वाला बंडल, दे वो महंगे वाला बंडल, नहीं दिया यार इन्होंने यार, ये उस बंडल को देने में बहुत ही नखरे दिखा रहे हैं यार। प्लीज़ यार, वरना मेरे को इसी को लेना था। ये वाला वैसे बंडल जा नहीं रहा है, आप चेक करो प्लीज़ भाई आ जा। तो यार वो वाला बंडल ये दे ही नहीं रहे, अब मैं फिर इसी को परचेज कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो यार, मैंने यहाँ पर फाइनली इसी को परचेज कर लिया, एक पिप भी कर ही लेता हूँ यार चलो। और अब यहाँ पर फ्री का स्पिन भी आ चुका है, तो यहाँ पर स्पिन भी करके देख लेते हैं, 9 डायमंड्स आ जाता। शिट, सिर्फ उसके आगे वाला आया यार। यहाँ पर मैंने 2 आइटम परचेज कर लिए यार, ये वाला जानबूझ के दिया नहीं यार, बहुत गलत है यार, देखना चाहिए था यार इन्हें, पता नहीं इन्होंने दिया ही नहीं। सारे बंडल्स आ गए थे यार मेरे पास, 4 आ गए थे, देखो ये 2 चीज़ बाय करी, 5 में से यार एक वाला ये वाला बंडल नहीं आया जो मेरे को चाहिए था, वही वाला नहीं दिया इन्होंने। अब मेरे पास सिर्फ 30 डायमंड बचे। इस बार वाले इवेंट में मेरे को ये वाला मिला था जो हमारा आया था इमोट पार्टी इवेंट, तो इसी की जगह मैं ये वाला कर देता हूँ। कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना मैंने ये बंडल लेके सही किया या फिर नहीं। बाकी यार मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे को वो वाला बंडल चाहिए था, मैंने बताया था यार आपको, वो मिला ही नहीं यार। लेकिन कोई बात नहीं यार, यही चलो बहुत लोगों के नहीं आते यार 9 डायमंड और 99 में, कम से कम यार ये तो ले पाया मैं। और आई होप आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी यार, बिल्कुल मज़ा आ गया यार ये वाला बंडल लेके, बहुत ही अच्छा लगा। फीमेल पर भी बना सकते हैं उसको, सबसे स्पेशल वाली बात है। बाकी यार वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नई गेम प्ले वीडियो के साथ, It's all तक के in the लिए mind. गुड बाय।
I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you come